अ केमिकल कंपनी प्रोड्यूसेस टू केमिकल्स एस एक्स एंड जेड एक्स. एनवायरमेंटल एक्टिविटीज एंड कॉस्ट एसोसिएटेड विद द टू केमिकल्स आर एज फॉलोस. एक केमिकल कंपनी है, वो दो केमिकल्स बनाती है, एक का नाम है एस एक्स और दूसरे का नाम है जेड एक्स. तो जो एनवायरमेंटल एक्टिविटीज़ और जो एनवायरमेंटल की कॉस्ट है इन दो केमिकल से रिलेटेड, वो इधर डिटेल में दे रखी है. तो पहले तो देखो, एस एक्स और जो जेड एक्स दो केमिकल्स है, पहले तो इनकी डिटेल दे रखी है कि कितना कितना यूनिट प्रोड्यूस किया जाता है, पैकिंग मटीरियल्स कितने किलो का यूज़ किया जाता है, एनर्जी यूसेज कितना कितना होता है, टॉक्सिन रिलीज कितना और कितना होता है दोनों में, पॉल्यूशन कंट्रोल, मशीन आर्ट्स कितने कितने लगते हैं. फिर एस एक्स और जेड एक्स से संबंधित जो एनवायरमेंटल की कॉस्ट आती है वो बता रखा है कि पैकिंग मटेरियल कॉस्ट इतनी आती है, एनर्जी की कॉस्ट इतनी आती है, फाइंस फॉर रिलीज ऑफ टॉक्सिन्स इनटू एयर इतना है, और ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट इतना है. रिक्वायर्ड कैलकुलेट द एनवायरमेंटल कॉस्ट पर किलोग्राम फॉर ईच केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय द कंपनी. हमें क्या कैलकुलेट करती है, एनवायरमेंटल कॉस्ट पर किलोग्राम कैलकुलेट करनी है और हर केमिकल इन दोनों के लिए कैलकुलेट करनी है. तो पहले देखो, जो एनवायरमेंटल मैनेजमेंट जो अकाउंटिंग है उसमें जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ए बी सी बेस्ड, जो कॉस्टिंग होती है ना, कॉस्टिंग सिस्टम, उससे रिलेटेड है. तो हमें जब हम इस तरीके के प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, ए बी सी वाला सिस्टम जो है वो यूज़ करते हैं. तो ये देखो, ये क्या है आपके, ये आपके हैं कॉस्ट, एनवायरमेंटल की कॉस्ट. और आप देखोगे तो बड़े आराम से ये कॉस्ट ड्राइवर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो. जैसे पैकिंग मटेरियल कॉस्ट का कॉस्ट ड्राइवर क्या हो, पैकिंग मटेरियल, उसके कॉस्ट ड्राइवर नंबर भी दे रखे हैं आपको, नंबर ऑफ कॉस्ट ड्राइवर्स कितने कितने हैं. इसी तरीके से एनर्जी कॉस्ट का एनर्जी यूजेज, फाइंस फॉर रिलीज ऑफ टॉक्सिन इनटू एयर का टॉक्सिन रिलीज, और ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ पॉल्यूशन का पॉल्यूशन कंट्रोल मशीन. तो ये है कॉस्ट आपकी, ये कॉस्ट ड्राइवर्स है और ये नंबर ऑफ कॉस्ट ड्राइवर्स है. ठीक है, तो हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का यूज करके एनवायरमेंटल कॉस्ट पर किलोग्राम को कैलकुलेट करेंगे. ये आपकी एक्टिविटी है, चार तरीके की एक्टिविटी हमने आइडेंटिफाई करी है. कॉस्ट इसकी इन एक्टिविटीज की इतनी इतनी आ रही है, ठीक है, और नंबर ऑफ कॉस्ट ड्राइवर कितने हैं टोटल एस एक्स और जेड एक्स दोनों को मिला करके. पैकिंग में आप देखोगे तो 80,000 प्लस 40,000 नहीं 120,000, एनर्जी में देखोगे तो 60,000 प्लस 30,000 90,000, टॉक्सिन में देखोगे तो 200,000 प्लस 40,000 240,000, और पॉल्यूशन कंट्रोल मशीन आर्स में देखोगे तो 32,000 प्लस 8,000 इक्वल टू 40,000. तो ये टोटल जो कॉस्ट ड्राइवर से वो आ गई, ये टोटल कॉस्ट आ गई. अब इसकी ए बी सी रेट निकाल लूँ, ठीक है, ए बी सी रेट पता है, ये कॉस्ट डिवाइड बाई नंबर ऑफ कॉस्ट ड्राइवर्स, यानी ये इसको इससे डिवाइड कर दो, सिंपल सी बात है, ए बी सी रेट आपका निकल जाएगा. अब ए बी सी रेट आपका निकल गया है, अब ठीक है, तो देखो अब एलोकेशन ऑफ कॉस्ट करेंगे. तो हम यहाँ पे सिर्फ एनवायरमेंटल की कॉस्ट निकाल रहे हैं, यहाँ पे हम कोई डायरेक्ट मटेरियल लेबर ये सब कुछ नहीं निकाल रहे हैं. क्वेश्चन में सिर्फ जो इन्फॉर्मेशन दी गई वो एनवायरमेंटल कॉस्ट रिलेटेड है, तो जो हमारा जो आंसर आएगा वो एनवायरमेंटल कॉस्ट ही होगा, ठीक है, पर यूनिट का. तो पैकिंग मटेरियल का रेट कितना है, देखो तीन ए बी सी रेट है तीन, तो पैकिंग मटेरियल एस एक्स में कितना यूज होता है 80,000, जेड एक्स के में 40,000, तो दोनों के तीन तीन सेंटो कर दो तो ये पैकिंग मटेरियल की जो कॉस्ट है वो आप डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी. एनर्जी कॉस्ट इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करो, टैक्सी डिस्ट्रीब्यूट करो, और ऑपरेटिंग कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट कर दो इक्विपमेंट्स का. तो एनर्जी कॉस्ट कितना 10.66, ठीक है, और एनर्जी की जो यूसेज है कितना किलो वाट आर आप यूज़ करते हो एस एक्स में 60,000, जेड एक्स में कितना करते हो 30,000, और एक किलो वाट आर का जो कॉस्ट कितना पड़ रहा है 1.066, तो इनको दोनों से इंटू कर दो. इसी तरीके से टॉक्सिन और ऑपरेटिंग का कर दो. फिर दोनों को क्या करो आप, दोनों को इन सब का टोटल कर लो, और फिर डिवाइड बाई नंबर ऑफ़ यूनिट्स कर लो. नंबर ऑफ़ यूनिट्स कितनी है, एस एक्स में है 6,00,000 और जेड एक्स में है 15,00,000, डिवाइड बाई कर दो, तो पर यूनिट जो एनवायरमेंटल कॉस्ट है वो आपकी निकल आएगी, ठीक है. और यहाँ पे जो डेसिमल है उस 4 डेसिमल प्लेसेस का आंसर में दे रखा है, इसलिए हम यहाँ पे 4 डेसिमल प्लेसेस यूज़ करें आंसर में.